बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। यूपी में पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कल सीएम ने की थी बैठक। तो 31 अक्टूबर तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कल जो बैठक की थी उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जितने भी पुलिस कर्मी हैं जो छुट्टी पर हैं या फिर जिन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है उन्हें इस त्योहारी सीजन में छुट्टी नहीं मिलेगी। 31 अक्टूबर तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। ये एक बड़ा फैसला लिया गया। और हमारे साथ विवेक जुड़ गए। विवेक, ये जो फैसला लिया गया है इसके पीछे क्या वो तमाम घटनाएं हैं जो बीते दौर में हुई हैं और क्या कुछ विशेष इनपुट्स हैं माहौल बिगड़ने के? जी बिल्कुल अवधेश, जिस तरह से पीएफआई की एक्टिविटीज अभी हाल में बढ़ी और टेररिज्म भी बढ़ा है, खतरे बढ़े हैं, थ्रेट्स बढ़ी हैं, उसको लेकर आगामी त्योहार जो नवरात्र शुरू हो गए हैं आज से, उसके बाद दशहरा दीपावली त्योहार होगा, उसको लेकर संवेदनशीलता बढ़ गई है। मार्केट में जितने भी जो भीड़ भरे बाजार हैं वहां पर सेंसिटिविटी बढ़ी है इसको, क्योंकि सुरक्षा में कहीं भी कोई भी चूक ना हो किसी तरह की, इसलिए सारे पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हालांकि ऐसा भी पहले भी होता रहा है, लेकिन अब की बार खास बात यह है कि जिन पुलिस कर्मियों को पहले छुट्टी दे दी गई है उनको भी रद्द करने को कहा गया है कि अगर किसी विशेष परिस्थितियों में किसी को छुट्टी दी गई है तो वो भी कैंसिल कर दी जाए और सारे पुलिस कर्मियों को जो अपने मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय या जो जिला का मुख्यालय होता है वहां पर रहने दिया जाए, वहीं पर उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाए और आगे अगर कोई भी सेंसिटिविटी होती है या कोई इस तरह की घटना होती है, बड़ी घटना होती है, तो उससे निपटने के लिए सारे इंतजाम, यानी जो ड्रिल होनी चाहिए, जो सुरक्षा इंतजाम को एक मॉक ड्रिल होती है उसमें तमाम इंतजाम परखे जाते हैं, वो भी करने को कहा गया है कि लगातार ये ड्रिल करते हुए अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखें, क्योंकि त्योहारों के मौके पर जो अराजक तत्व हैं या आतंकवादी संगठन हैं या जो दहशतगर्द हैं वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं मौके का, और हमने कई बार देखा कि त्योहारों में थ्रेट होती है। अभी पीएफआई के लोग जितनी पूरे देश भर में रेड पड़ी हैं और कई पीएफआई के लोगों को अरेस्ट किया गया है, दिल्ली में भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीएफआई के संगठन के और यहाँ लखनऊ में भी जो उनके जिला अध्यक्ष थे उनको पकड़ा गया है, उसके अलावा कई और लगातार पकड़े जा रहे हैं, सीएम ने अभी कल ही एक और आदमी को पीएफआई के मेंबर को पकड़ा है। तो ये सभी संगठन बिल्कुल इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में विवेक ये अहम फैसला है जो लिया गया है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।